पीके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लखी जगबानी। खबरों की शुरुआत करेंगे विस्तार के साथ, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर। लोकसभा चुनाव इस साल देश में होने हैं, ऐसे में राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की बैठक हुई। दरअसल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय पर करीब एक घंटे से ज्यादा समय तक चुनाव को लेकर बैठक की गई और इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे और इसके अलावा इस बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा के साथ प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया भी इसमें मौजूद रहे। राजस्थान के सभी 25 लोकसभा सीटों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और अगर सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव को लेकर पहली सूची के लिए 7 से 9 सीटों पर प्रत्याशी जो है वो बहुत जल्द घोषित किए जा सकते हैं और इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 सीटें जीतने की बात कही है। राजस्थान के 25 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें की जा रही है और हर वर्ग को साधने का तमाम प्रयास किया जा रहा है। चलिए रुख करते हैं अगली खबर की ओर। ईआरसीपी के लागू होने की जानकारी आम जनता तक पहुंचे और इसके लिए राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा 24 और 25 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों के दौरे पर हैं। पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में ये रोड शो कर रहे हैं और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्वी राजस्थान के 10 जिलों में घूम रहे हैं और इसके तहत ईआरसीपी के क्या क्या फायदे हैं और ये किसे मिलने वाले हैं, कितना पानी कहां पर जाना है, इसके बारे में लोगों से बात कर रहे हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। आज राजस्थान में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के पास उदयपुर में राहुल गांधी की विशाल जनसभा हो रही है और इस रैली में मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल होंगे। यहां सभा का 7 दिन के लिए ब्रेक रहेगा और इसके बाद फिर से यह यात्रा 2 मार्च को दोबारा से शुरू की जाएगी। उधर सवाई मानसिंह स्टेडियम आईपीएल से करीब 1 महीने पहले सील कर दिया गया। यहां पर आईपीएल 2024 के पहले फेज के 3 मैच खेले जाने हैं। राजस्थान रॉयल्स का पहला मैच लखनऊ सुपर जॉइंट से होगा और यह मैच 24 मार्च को जयपुर में खेला जाना है, लेकिन इसके ठीक पहले राजस्थान रॉयल्स के सवाई मानसिंह स्टेडियम को सील कर दिया गया है और इसकी वजह स्टेडियम पर करोड़ों रुपए का बकाया पेमेंट बताया जा रहा है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पंजाब बॉर्डर से राजस्थान बॉर्डर तक 65 किलोमीटर सड़क चौड़ी करने का काम जो है उसे शुरू कर दिया गया है। इस स्टेट हाईवे को बनाने में 127 करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसमें गांव ब्राह्मणवाला से रामसरा तक रोड जो है वो चौड़ा किया जाएगा। वहीं गुलाबी नगर जयपुर में विंटेज क्लासिक कारों का जलवा देखने को मिल रहा है और ये कारें अपने डिफरेंट फीचर और खूबसूरत लुक से जयपुराइट्स को ही नहीं बल्कि देसी विदेशी मेहमानों को लुभाती नजर आ रही है। 120 से ज्यादा कारें एक ही जगह पर जयपुर में पहली बार देखने को मिलेंगी और इन सभी कारों की एक राइड जो है वो भी आज निकाली जा रही है। राजस्थान वासियों को विंटेज और क्लासिक कारें अपने स्टाइल और खूबसूरत लुक से अट्रैक्ट करती नजर आएंगी। इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम अहम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द पीके टाइम न्यूज।